नवरात्र के उपास चल रहे हैं, घर में किसी न किसी मेंबर का फास्ट रहता भी होगा, और अगर नहीं भी है तो भी आप इसे किसी भी अवसर पर बना सकते हैं। साथ ही इन दिनों गर्मियों का टाइम भी है, हर किसी का ठंडा खाने का मन करता है, तो आज मैं आप सभी के लिए रागी के आटे से खीर कैसे बनाएं बताऊंगी। ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, काजू, बादाम और अखरोट कटा हुआ, थोड़ी सी किशमिश, फ्रूट्स में खरबूज, केला, अंगूर और मैंगो लिया है। इसे आप फ्रिज में रख दें ताकि यह ठंडे हो जाएं। रागी का आटा 1 टेबल स्पून, चीनी 2 टेबल स्पून, चीनी स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 1 कप दूध लिया है। अब इसे रागी के आटे में डाल दें और अच्छी तरह से बैटर बना लें, इस तरह से होना चाहिए। दूध को तपेले में डालें, इसे भी डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते रहें। अब इसमें 1/2 कप दूध और डालना है, इसमें टोटल 1.5 कप दूध मिलाया है। मीडियम फ्लेम पर जब यह उबलने लगे इस तरह से, तो अब हम गैस की फ्लेम को सिम पर कर दें और इसे 1 से 1.5 मिनट तक उबालना है। अब इसमें हम चीनी डालें, चीनी स्वाद के अनुसार डालना है। चीनी डालने के बाद भी इसे 1 मिनट तक उबालना है। अब गैस को बंद कर दें और तपले को गैस पर से हटा लें। बीच बीच में इसे 1-2 बार अच्छी तरह से हिला दें ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद यह थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इस तरह से। अब हम इसे 2 तरह से बनाएंगे, एक में हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं और एक में सिर्फ फ्रूट्स डालेंगे। अब इसमें बहुत थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से हिला दें। अब एक बोल लें और 1/2 इसमें डाल दें। अब इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दें। ड्राई फ्रूट्स वाला आप अगर गरम भी सर्व करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, यह गरम गरम बहुत ही अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें और अच्छी तरह से ठंडा करें। बचे हुए हिस्से को दूसरे बाउल में डालें। अब आप इसमें फ्रूट्स डाल दें। फ्रूट्स में आप किसी भी प्रकार का फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आप किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स लें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जितने कलरफुल फ्रूट्स लेंगे यह बच्चों को उतना ही अच्छा लगेगा। अब इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें। सर्व करते समय ऊपर से आम के छोटे छोटे टुकड़े या दिल बनाकर सर्व करें। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे अगर यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला दें, और अगर पतला लग रहा है तो इसे थोड़ी देर तक और उबाल लें। इसी तरह मोरधान के आटे का डेजर्ट भी आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं।